कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की उपस्थिति में ही कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसके अभाव में हमारा कंप्यूटर एक खाली डब्बा होता है जिसका कोई यूज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है और इसके विभिन्न संस्करण कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने तथा कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स और फाइल को प्रदर्शित करने के लिए होता है। मतलब सरल शब्दों में विंडोज कंप्यूटर पर लोडिंग होने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को संचालित करने के लिए करते हैं। विंडोज का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, जो एक अमेरिका की आईटी कंपनी है और जिसके संस्थापक बिल गेट्स है। विंडोज हमें GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। GUI एक यूजर इंटरफेस है जो हमें कमांड की बजाय विंडोज आइकन और मेन्यू की सहायता से कंप्यूटर चलाने की सुविधा देता है और कंप्यूटर चलाना हमारे लिए आसान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, विंडोज से पूर्व हमारे कंप्यूटर में रन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता था, जहाँ पर कंप्यूटर को चलाना बहुत टफ था, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें प्रत्येक काम के लिए कमांड चाहिए होता था, जिसको याद करना हर किसी व्यक्ति के बस में नहीं था। सरल शब्दों में कहूँ तो विंडोज के पूर्व हमारे कंप्यूटर में MS-DOS यूज होता था, जहाँ पर कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग कमांड की जरूरत होता था। हम उतना ही काम कर पाते थे जितना कि हमको कमांड याद होता था। DOS में हमें एक काला कलर का स्क्रीन मिलता था, जहाँ पर हम लोग कमांड की सहायता से हम लोग कंप्यूटर को यूज करते थे, लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं है। विंडोज हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसमें आप चित्र और मेन्यू की सहायता से कंप्यूटर को आसानी से रन कर सकते हैं और कंप्यूटर को चलाना आसान बनाता है। हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस माउस की सहायता से क्लिक करके हम लोग कार्य को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए एक बार फिर से हम विंडोज को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो आता है, उसके बाद फिर किसी प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक प्रोग्राम विंडो आता है। तो यही विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसका प्रयोग हम लोग कंप्यूटर का संचालन करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी फोल्डर वगैरह पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे एक मेन्यू खुलता है, यही कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करते जा रहे हैं तो एक के बाद एक विंडो खुलते जा रहा है, हमको मेन्यू आइकन में दिखाई देता है, यही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज के आने के बाद कंप्यूटर को चलाना बेहद आसान हो गया है। यहाँ पर हम एक क्लिक करके किसी भी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, व डबल क्लिक करके किसी भी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। यदि हम इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम जैसे ही ये क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा प्रोग्राम विंडो बंद हो जाता है। इसके विपरीत हम लोग DOS में भी चलिए डेमो देख लेते हैं। DOS लाने के लिए आप सर्च बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कमांड। जैसे आप कमांड टाइप करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपके मेन्यू पर कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, और ये इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यही है आपका DOS। विंडोज से पूर्व आपके कंप्यूटर में यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको संक्षिप्त में बोलते हैं DOS। तो यहाँ पर काम करने के लिए हमें कमांड की जरूरत होती थी। जैसे मैं यहाँ पर CD/ लिख के प्रॉम्प्ट पर आया, और प्रॉम्प्ट पर आने के बाद ही हमको कमांड इंटर करना पड़ता था। जैसे ही मैंने टाइम कमांड एंटर किया, उसके पश्चात इंटर बटन करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमको समय प्राप्त हो जाता है। मतलब इससे समझ गए होंगे कि पहले DOS में हर प्रकार के काम करने के लिए हमको अलग अलग प्रकार के कमांड की जरूरत होती थी, और आज विंडो में ऐसा नहीं है। आप जस्ट माउस से क्लिक करके अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं विंडोज़ के प्रमुख संस्करण, या कह सकते हैं विंडोज़ के इतिहास। एक साइड में लिख दे रहा हूँ विंडोज़ के प्रमुख वर्जन के नाम, और दूसरे साइड लिख देते हैं उसके रिलीज डेट। पहला विंडोज़ लॉन्च हुआ था 1.0 20 नवंबर 1985 को। दूसरा वर्जन आया था इसका 2.0 9 दिसंबर 1987 को। थर्ड वर्जन आया था 3.0 22 मई 1990। नेक्स्ट वर्जन आया था विंडोज 95 24 अगस्त 1995।
98 जिसको हम लोग विंडो 98 बोलते हैं, 25 जून 1998। फिर इसके नेक्स्ट वर्जन विंडोज़ XP, ये काफ़ी फेमस वर्जन रहा है। इसका लॉन्च या फिर रिलीज डेट 25 अक्टूबर 2001। फिर नेक्स्ट वर्जन विंडोज़ 2007 जिसको हम लोग विंडोज 7 भी बोलते हैं, इसका रिलीज डेट 22 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट वर्जन विंडोज़ 8.0, इसका लॉन्च या फिर रिलीज डेट 26 अक्टूबर 2012। नेक्स्ट विंडोज़ के संस्करण में देखते हैं विंडोज़ 8.1, ये 8 और 8.1 असफल रहा है, इसका रिलीज डेट 17 अक्टूबर 2013। अभी के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रमुख वर्ज़न में विंडोज़ 10.0 या फिर विंडोज़ 10 बोलते हैं, इसका रिलीज डेट 29 जुलाई 2015 है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप विंडोज़ क्या है और इसके प्रमुख संस्करण को समझ ही गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।